मेरी गल सुन, नशा बेचण वाला कोई सियासी नहीं हो सकता। ये जेड़ा थाना बनाया बादलों के टाइम का ही बने, उन्होंने ही कंटिन्यू किया। बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज होने तो बाद पंजाब दी सियासत लगातार गरमाई हुई है। जिक्र योग है कि पटियाला पहुंचे उप मुख्यमंत्री अते गृह मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा नूं जद पत्रकारां दे वल्लों सवाल किया गया कि अकाली दल दे वल्लों यह दोष लगाए जा रहे हैं कि यह मामला सियासी कारणां करके दर्ज होया है, तो उन्हां दा कहना सी कि नशा वेचण वाला कोई सियासी नहीं हो सकता। जिक्र योग है कि इस मौके पत्रकारां दे वल्लों उन्हां नूं होर भी कई सवाल किए गए जिन्हां दा उन्हां वल्लों जवाब दिता गया। दसन योग है कि सुखजिंदर सिंह रंधावा इत्थे बिजली निगम के दफ्तर दे विच नवें बनाए गए चेयरमैन बलदेव सिंह सरां दी नियुक्ति दौरान पहुंचे हुए सन। सरदार बलदेव सिंह सरां चेयरमैन इन्हां नूं अज PSPCL दा चन्नी साहब ने अपॉइंट किया और मैं इन्हां नूं मुबारकबाद देंदी थैं, क्योंकि इस टाइम दे विच इन्हां ने जो पहला इन्हां दी टेन्योर सी और उहदे विच जो इन्हां ने काम किया, साडी सारिआं दी और पंजाब दे लोकां दी भी डिमांड सी कि एक वधिया चेयरमैन जिन्होंने बहुत वधिया तरीके काम किया उन्होंने दोबारा जिहड़ा किया जाए, और सारे जो डिसीजन किया चेयरमैन साहब ने उन्होंने CM साहब ने ते सारे मिनिस्टर ने उहदे च कंसेंट दे के ते पंजाब दीआं जो बिजली बोर्ड दे विच कोई कमियां रह गईआं जां जिहड़ियां कोई चीज़ां करन वालियां ने जां कोई मुलाजमां दीआं, क्योंकि आप भी ये बहुत देर इस संघर्ष दे विच जुड़े रहे ने, तो उस करके इन्हां नूं अपॉइंट किया और इन्हां दी इमानदारी इन्हां दी दयानतदारी और इन्हां दी जिहड़ी लगन और काम करन दा जिहड़ा वो चीज़ करके असीं पंजाब च कि बिजली बोर्ड जिहड़ी है कि मेन जे कोई पंजाब अज भी किसी सुरखियां दे विच रहिंदा जां किसी बिजली दे विच रहिंदा तो वह बिजली बोर्ड जिहड़ा पंजाब दी बैकबोन है, और इन्हें इसे बिजली बोर्ड ने पंजाब दी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री डोमैसटिक उन्हां दीआं लोड़ां पूरियां करनियां एक चंगा योग इमानदार और चंगा नीतिगत जिहड़ा उन्हां नूं असीं चेयरमैन। सरदार साहब थोड़ी देरी नहीं होगी जिवें सरकार दा समां कट रहा है ते सरां साहब दी नियुक्ति होई? देखो जिहड़ी देरी ते अज तों नहीं, मैं तां कहिंदा जिस दिन इन्हां नूं उतारिया सी उस दिन भी देरी की, उस दिन भी साडी गलती सीगी कि जिस तरीके नाल लै के तुरे सी बिजली बोर्ड नूं और जिस तरीके ने कंट्रोल किया उस वेले भी मैं कहाँगा कि हूँ भी नहीं, पर देर आए दुरुस्त आए नहीं भावें देर बिजली बोर्ड के मुलाजमान के जो मसले बड़े लंबे तो डेढ़ डेढ़ महीना 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 ऑफिस नहीं लगते क्योंकि सारे गेट बंद पे हूँ भी काफ़ी डेढ़ सवा महीने बाद ऑफिस खुले है तो मुलाजम अजे भी बैठे। यही मैं कह रहा ना कि जे फुल टाइम जो चेयरमैन हों अपना पूरा टाइम दे के, क्योंकि उन्होंने ये होंगे कि मैं इतने बैठ के इन्हों के मुलाजमान ही रहना और जिहड़ा आदमी ऑफिस दे विच आ के बैठेगा उन्हूं उहदे कन्नां 'च जिहड़ी कोई बाहर आवाज़ है वह जरूर सुनती है और उस आवाज़ नूं दबाउण की कोशिश नहीं की जाती, उन्हां नूं सुन के उन्हां दे मसले हल करन की कोशिश की जाती है। करके चेयरमैन साहब नूं लैके आए हैं कि सरपलस जिहड़े उह पिछलियां सरकारां वांगू सरपलस नहीं बनाया जाएगा, एक्चुअली सरपलस बनाया जाएगा तां कि बिजली की जिहड़ी खपत है बिजली की जिहड़ी लोड़ आ उसके मुताबिक ही काम किए जाएंगे। इस करके चेयरमैन साहब जिनी देर रहे तुम देखिए कट लगने भी बंद हो गए सी, और असी जी बिजली जी बार बेची इन्हों के टाइम तो होंगे टाइम से तो और पिछले टाइम जो बहुत तुम चेंजेस देखिया हो गई। देखो असी गवर्नर साहब को भेज दिए वो जे इन्हों सॉवरेन समझौते जोड़े पुराने जोड़े हुए गवर्नर की कंसेंट आएगी, असी अपने वालों उन्होंने रद्द कर ली भेजा और हूँ नवे चेयरमैन जोड़े लाए ने उन्होंने इंप्लीमेंट भी कराने। जो माहर ने वो कहें कि सरकार जब तक इन अपने सैक्टर से नहीं लैके आती जो थर्मल प्लांट ने तद तक जी बिजली सस्ती नहीं दी जा सकती, जिम्मे बिजली समझौते पढ़िया होना एक प्लांट में तो असं क्या कि इमीजिएटली टेक ओवर करने का सूँ किया जाए, तो बाकी चेयरमैन साहब बैठे ने यह हूँ सारा सूँ गाइड करे कि किस तरह उन्होंने टेक ओवर किया जा सकता ज उन्होंने रेट किमें घटाए जा सकता। अच्छ आप जा रहे एडे वधिया काम के कानू माड़े काम लैके एक वधिया एक मिनट मेरी सुन लो एक अज बड़े वधिया मौके पर एक ईमानदार एक पंजाबी आप बिठाउण दिए हैं
ਇਹਦਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਠੋਕ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਵਾਂਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਪਲਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਨਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉੱਥੇ SHO ਨਾ ਉੱਥੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਤੇ ਚਿੰਤੀ ਦੀ ਫੀਸ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਭਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬੇਬੇ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਊਗਾ ਮੈਨੂੰ 24,000 ਰੁਪਏ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮੋੜੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ